श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 12वां श्लोक। ये श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आज ये प्रमाणित हो रहा है कि हम जिस पथ पे हैं, ध्यान देना सब लोग, उससे एक दिन हम भगवान को साक्षात अपने हृदय में देखेंगे। हम बहुत गंभीर पथ पे हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं ना, ब्रह्म और परमात्मा का अंत तो नहीं टारगेट कर रहे हैं। तो ये श्लोक स्वयं सूत्र गोस्वामी बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करता है, किस प्रकार से, जैसे इसमें बताया गया है, एक दिन साक्षात भगवान को अपने हृदय में देखेगा। और ये देखिए श्लोक आपके सामने रखा जा रहा है, हम अपने मन से आपको प्रेरणा देने के लिए बोल रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो कीर्तन कर रहे हैं ऐसे कीर्तन नहीं कर रहे फ्री फर्स्ट फ्री फंड में, फ्री फंड समझ रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं ऐसे बस उछल कूद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि जब ये कीर्तन, ये भागवत श्रवण, ये प्रसाद ग्रहण, ये हमको एक दिन योग्य बनाएगा साक्षात भगवान को हृदय में देखने में। इसका प्रमाण साक्षात भागवत है। तो देखिए मेरे पीछे बोलिए, तश्रद्धानामुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम् भक्त्या श्रुत ग्रहीतया तत्श्रद्धानामुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम् भक्त्या श्रुत ग्रहीतया तत्सद्धानाहमुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम् भक्त्या श्रुत ग्रहीतया तश्रद्धानामुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम् भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। शब्दार्थ बोलिए, तत् वह श्रद्धानाः गंभीर जिज्ञासु मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्त्या से समन्वित पश्यन्ति सुनते हैं, देखते हैं। जानबूझ के मैं गलत बोला, क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। पश्यन्ति बहुवचन में कि एक वचन में? बहुवचन, मतलब एक व्यक्ति नहीं कि एक व्यक्ति को सफलता पर प्राप्त होगी दूसरे को नहीं। सभी पश्यन्ति, सभी लोग देखेंगे, सभी देखते हैं। एक्चुअली देखेंगे नहीं कि एक बार देखा और गायब हो गए भगवान, देखते हैं, देखते ही रहते हैं, ये समझ लीजिए। पश्यन्ति देखते हैं। चल गया, अब ऐसा तो नहीं क्लास के बीच में डाउन हो जाए। कौन सी केबल? एयरटेल वाली? नहीं ये वाली। अरे वो तो निकली हुई थी, लेकिन इसमें ये तो मैंने इस पर नोके पे लगा रखी थी। वाईफाई भी तो नहीं चल रहा, समझ रहा हूँ। ओके लेट्स सी, चल रहा है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही, ठीक। ओके हाँ आगे बढ़ते हैं। पश्यन्ति देखते हैं। आत्मनि अपने में च तथा आत्मानम् परमात्मा को भक्त्या भक्ति से श्रुता वेद से ग्रहीतया भली भांति ग्रहण किया गया। अनुवाद देखते हैं। ज्ञान और वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अब ये परम सत्य की अनुभूति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की होगी, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के अनुसार होगी, डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या है। लेकिन पहले हम जरा उसको फिर श्लोक को देखते हैं। तत्श्रद्धाना मतलब जैसे प्रभुपाद बता रहे गंभीर जिज्ञासु। अब ऐसा नहीं कि हल्की फल्की जिज्ञासा, ठीक है क्या है ब्रह्मा, ठीक है होगा कुछ भी, ऐसा नहीं। जानने के लिए गंभीर जिज्ञासा, उसकी
प्रयत्नशील है। मने यहां मतलब मननशील, बार बार मनन कर रहा है ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। ठीक, वो अलग अलग दो, तीनों ही लोग मननशील होते हैं लेकिन सब लोग अलग अलग विषय का मनन कर रहे हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान इत्यादि। और ज्ञान और वैराग्य से युक्त होते हैं और ऐसे लोग देखते हैं, पश्यंती कहां देखते हैं, कह रहे आत्मनि आत्मा में, किसको देखते हैं, आत्मानम यानी परमात्मा को, भगवान को देखते हैं। कैसे देख पाते हैं, कह रहे हैं भक्ति के द्वारा। और वो भक्ति कैसी होती है, मनमाना नहीं, श्रुत ग्रहिता। श्रुत मतलब गुरु साधु वैष्णवों से शास्त्र को श्रवण करके जो ग्रहण की गई है, अभ्यास की गई भक्ति। भाई अभ्यास करने से भक्ति बढ़ती है ना, तो जब हम शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र श्रवण करके भक्ति का अभ्यास करते हैं तब भक्ति बढ़ती है और उस बढ़ी हुई भक्ति से व्यक्ति अपने अपने आप को देख पाता है, सॉरी भगवान को अपने हृदय में देख पाता है। हरे कृष्ण हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र उपनिषद का है कि हमारे मन से लिखा हुआ मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है। प्रभुपाद जी के द्वारा मालूम चला कि पान वाले के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा मालूम चला। अब इसको करते रहने से हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, भागवत सुन रहा है, सुनते सुनते जब भक्ति बहुत बढ़ जाएगी उसके हृदय में गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी, भगवान को देख पाएगा, भगवान तो पहले से विद्यमान है। स्पष्ट समझ में आ रहा है, देखते हैं आगे। लिंग देखिए सारार दर्शनी, यह श्लोक उस अभ्यास का वर्णन करता है जिसके द्वारा उस तत्व की अनुभूति होती है। पिछले श्लोक में क्या बताया, वो तत्व क्या है, तत्व क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, तीन था। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि उस तत्व को हम अनुभूत कैसे करें। देखिए हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइए कितने लोग वाकई हृदय में भगवान को देखना चाहते हैं, ईमानदारी से बात, या केवल भक्ति कर रहे हैं क्योंकि भाई अच्छा लगता है भक्ति करना बस। ये प्रश्न वैसे हाथ भी नहीं खड़ा कीजिएगा, हाथ भी नहीं खड़ा कीजिए, खाली ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्योंकि यहां शब्द है श्रद्धाना मुनियो, मननशील जिज्ञासु। अगर रियली ऐसा चाहता है तो बहुत गंभीरता से भक्ति करेगा। डज इट मेक सेंस, नहीं? भगवान को हृदय में देखना कोई आसान बात नहीं है, तो उसके लिए इसीलिए बोल रहा हूँ गंभीर, बहुत गंभीर श्लोक है। ऐसे श्लोक हम पढ़ के निकल जाएंगे, बहुत अमेजिंग बात महाराज बता रहे थे परम पूज्य सत्यनंदन महाराज। समबडी कैन बी एन इटर्नल नियोफाइट, श्रवण नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, गंभीर नहीं है तो जैसा प्रगति बहुत होती हुई दिखेगी नहीं उसकी। एटलीस्ट कुछ बातें कठोर लगेंगी लेकिन एक्चुअली बात गंभीरता के संबंध में। गंभीर व्यक्ति गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है, ही वोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय स्टूपिड थिंग्स, बेवकूफी की बातों से वह उसका मान डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसका फोकस रहेगा कि नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करी, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, और वो हमारे लिए भी सुलभ है। कभी कभी सोचते हैं कि हाँ नारद जी को प्राप्त हो गए भगवान, हमको पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे तो छोड़ो, क्या करना, मेहनत करने की क्या जरूरत है। डज इट मेक सेंस, बहुत गंभीर बात है। इस ज्ञान को तीन रूपों में, मुनयः अर्थात मननशील, जो विचारशील हैं वे तीनों ही होते हैं, ज्ञानी योगी और भक्त, भक्ति के द्वारा देखते हैं। बहुत सुंदर टीका है और आपको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना होगा तब समझ में आएगा। ज्ञानी ब्रह्म का अनुभव करता है, योगी परमात्मा का, लेकिन यह भी अगर भक्ति का सहारा न लें तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं। ज्ञानी और योगी, ज्ञानी लोग मन का संयम करते हैं, इंद्रियों का संयम करते हैं, योगी यम और नियम का पालन करते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भक्ति का समावेश ना करें तो वो कुछ नहीं देख पाएंगे, वो ना ब्रह्म को देख पाएंगे और ना परमात्मा को देख पाएंगे। क्या इस बात को ग्रहण कर रहे हैं? और भक्त लोग तो शुद्ध भक्ति करके भगवान का अनुभव प्राप्त करते ही है। Does it make sense? ज्ञानी, अब देखिए आत्मनि और आत्मानम के तीन अर्थ हैं, अलग अलग भक्तों के अनुसार, अलग अलग साधकों के अनुसार। थोड़ी बातें कठिन होंगी, पहली बार सुन रहे हैं लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ज्ञानी जो ब्रह्म की अनुभूति चाहते हैं वे आत्मनि अर्थात तत्पदार्थ ईश्वर में, आत्मानम अर्थात त्वम पदार्थ जीव को देखते हैं। मुझे पता है कि ऊपर से चल गया होगा, तत्पदार्थ क्या, त्वम पदार्थ क्या। भगवत गीता में यदि आपने सुना हो 17वें अध्याय में ओम तत्सत बोला गया था, और तत् वहां पे बोला गया था कौन है, भगवान।
और त्वम मतलब तुम। तो वेद में एक शब्द आता है, वाक्य आता है तत्त्वम असि, तुम भगवान जैसे हो, भगवान नहीं हो हम। क्या हम, अच्छा ये कहा जाए कि हम भगवान जैसे हैं तो कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, भगवान सच्चिदानंद हैं और हम भी स्पिरिचुअल हैं। इस तरफ बैठे, इस तरफ बैठे। हाँ जी, भगवान सच्चिदानंद हैं और हम भी सच्चिदानंद हैं, इसमें कोई कठिनाई है? तो अब ये अपने आप को आध्यात्मिक स्वरूप में, आगे आ जाओ, आपको दिक्कत है? हाँ, अपने आप को आध्यात्मिक स्वरूप में व्यक्ति देख पाता है। इस समय हम देख रहे हैं ना कि हम ये शरीर हैं, लेकिन जब व्यक्ति को आत्मानुभूति होती है तो समझ पाता है कि मैं तो स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं। क्या कुछ समझ में आ रही बात? तत्पदार्थ मतलब भगवान, वो समझ में आता है भगवान किस प्रकार से आध्यात्मिक है, और त्वम पदार्थ मतलब जीव, तो जीव किस प्रकार से आध्यात्मिक है, तो उसको ब्रह्मानुभूति हो जाती है। कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? वो देख पाता है कि गुणात्मक रूप से वह कैसे भगवान से अभिन्न है। हिंदी समझ में आई है कुछ बोल? अलग समझ नहीं समझ में आ रही है। जैसे सूर्य, जैसे सूर्य की किरण क्या सूर्य से अलग है? दोनों ही तेजमय है कि नहीं? लेकिन सूर्य की किरण और सूर्य में भेद है भी, लेकिन गुणात्मक रूप से तो एक ही है कि नहीं? सागर की बूंद और सागर में अंतर है कि नहीं? मात्रा की दृष्टि से अंतर है, लेकिन गुण की दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है ना। समझ गए? वही बात बोल रहे हैं। तो ये इस प्रकार की ब्रह्म अनुभूति उसको होती है। अच्छा, दूसरा एक और अर्थ आप समझ सकते हो कि वो समझ आएगा कि मेरा अस्तित्व भगवान में ही है, मेरा अस्तित्व भगवान से बाहर नहीं है। ये बात भी आप यहां पे ले सकते हैं। दूसरा आत्मनि आत्मानाम को देखिए, जो भगवान की धारणा परमात्मा के रूप में करते हैं वे परमात्मा को ध्यान के द्वारा, मुख्य रूप से ध्यान के द्वारा और गौण रूप से थोड़ी भक्ति का समावेश करते हैं, एकनिष्ठ रूप से भक्ति का आश्रय नहीं लेते। हाँ, पहले वाली स्थिति में विज्ञानी व्यक्ति मन का संयम कर रहा है और इंद्रियों का संयम कर रहा है, ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ भक्ति का समावेश कर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि भक्ति का सहारा नहीं लूंगा तो मुरी को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो इसे कहते हैं भक्ति मिश्रित ज्ञान, ज्ञान उसमें मुख्य है और भक्ति का थोड़ा समावेश किया गया है। ऊपर से गई बात ये समझ में आई? मुख्य रूप से वह ज्ञान कर रहा है लेकिन भक्ति को भी सहारा ले रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? ब्रह्मानुभूति मिलेगी। यहां समझ लेंगे तो आगे जाके टेंथ कैंटो में ये सब बातें आएंगे, बच नहीं सकते। अच्छा, अब दूसरा व्यक्ति मुख्य रूप से ध्यान कर रहा है लेकिन भक्ति की हेल्प ले रहा है, तो योग भक्ति मिश्रित योग, योग योग मुख्य है, ध्यान इत्यादि अष्टांग इत्यादि मुख्य है और भक्ति का थोड़ा एलिमेंट है। तो कह रहे हैं जो भगवान की धारणा परमात्मा के रूप में करते हैं वे परमात्मा को ध्यान के द्वारा आत्मनि अर्थात अंतर हृदय में। अब जिसने संस्कृत पढ़ी है, आत्मनि शब्द कौन सी अभिव्यक्ति है जानता है? सप्तम विभक्ति, आत्मा में। जैसे आप इस रूम में मृदंग को देख रहे हैं तो ही बात होगी, आत्मनि अर्थात अंतर हृदय में, आत्मानम अर्थात परमात्मा को अंतर्यामी के रूप में देखते हैं। थोड़ी सी भी संस्कृत नहीं पढ़े हैं कोई यहाँ पे? पढ़े हैं तो जिन लोग हल्का सा भी पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। दूसरी विभक्ति आत्मानम और सप्तमी विभक्ति आत्मनि, आत्मा में आत्मा को देखते हैं। अरे प्रभु जी, बहुत कठिन लग रहा है। आत्मा में आत्मा को देखते हैं, क्योंकि आत्मा के अलग अलग अर्थ हैं। आत्मा का अर्थ चित्त भी होता है, तो अपने चित्त में, अपने हृदय में भगवान को देखते हैं। चलो हिंदी बोलते हैं, जो व्यक्ति सोच रहा है कि वो तत्व परमात्मा है तो परमात्मा को अपने हृदय में देखता है। आप समझ में आया? इंग्लिश में समझा दूं, ही सीज द सुपर सोल इन हिज हार्ट। डिफिकल्ट? इतना नहीं समझ में आ रहा? ओके, जो भगवान की धारणा भगवान के रूप में करते हैं वे उन आत्मानम अर्थात भगवान को आत्मनि अर्थात अपने मन में देखते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा आवाज नहीं आ रही? वेरी नाइस, फ्रीज हो गया। हरी हरी, आ रही आवाज? ये बड़ा दिक्कत है, इससे तो हमारा वो चल रहा था और डिस्कनेक्ट हो गया। वेरी नाइस, मैं किसे कनेक्ट करूं? इसको हटा देते हैं, यूजलेस।
गैलेक्सी वॉज मच बेटर। आ गया आवाज, आ गई हरी, आ गई आवाज, ठीक है। हरे कृष्णा, ओके कहाँ गया। अब जरा देखिएगा, अभी तक केवल हृदय तक की बात चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा भगवान का जो अनुभव है वो विशेष है, उसको जरा देख रहे हैं। देखिए कह रहे हैं, वे उन आत्मनम अर्थात भगवान को आत्मनि अर्थात अपने मन में देखते हैं, और च शब्द यह इंगित करता है कि बाहर प्रत्यक्ष रूप से भी देखते हैं और अपने चक्षुओं से यानी अपनी आंखों से उनके माधुर्य का अनुभव भी करते हैं। अंतर समझ में आया? ब्रह्मवादियों को केवल ये लग रहा है कि मैं भगवान से अलग नहीं हूं, बस इतना लग रहा है, ठीक। परमात्मावादियों को परमात्मा का अनुभव हो रहा है उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में, ठीक। भगवान को, जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध भक्ति का आश्रय ले रहे हैं, अब और किसी और साधन का आश्रय नहीं लेते, केवल भगवान की जो नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण आदि उसी का आश्रय ले रहे हैं, तो उनको भगवान हृदय में भी दिखते हैं और बाहर भी दिखते हैं। कुछ अंतर लग रहा है आपको? बाकी लोगों को खाली हृदय में दिखाई पड़ रहा है और वह भी पूर्ण रूप से नहीं, यहां पे पूर्ण रूप से हृदय में दिख रहे हैं, षड ऐश्वर्य संपन्न, और साथ साथ बाहर भी दिख रहे हैं और उनके माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं। तो क्या सीख रहे हैं हम? भक्ति के द्वारा ही भगवान की मधुरता का अनुभव पूर्णता में हो सकता है। सब ऊपर से जारी बातें। अरे ध्रुव महाराज के बारे में आप नहीं जानते हो क्या? ध्रुव महाराज हृदय में भगवान को देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देख रहे थे, और बाद में भगवान ने को सामने देखा कि नहीं देखा? प्रहलाद महाराज सदा अपने हृदय में भगवान को देखते थे, बाहर भी देखते थे, क्या दिक्कत है समझने में? कुछ कठिनाई है समझ में आ रहा? ठीक है। मुनिगण भगवत स्वरूप का अनुभव भक्ति के द्वारा करते हैं, जिसे पहले गुरु के द्वारा श्रवण किया जाता है, श्रुत ग्रहिता की व्याख्या कर रहे हैं, और फिर उसका अभ्यास किया जाता है, ग्रहित या ग्रहण किया जाता है। अब इस बात की व्याख्या शिला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अधिक करने वाले हैं, इसको पकड़ के चलिएगा। श्रुत मतलब सुना, बहुत गंभीरता से सुना भक्ति के तत्व को, और फिर उसके अनुसार उसका अभ्यास किया, तब जाकर के व्यक्ति भगवान को देख पाएगा। तो भक्ति तो सभी लोग कर सकते हैं, आपने पहले भी सुना है बात को, लेकिन इस प्रकार से गंभीर भक्ति जिसके द्वारा भगवान का अनुभव हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम शास्त्र श्रवण करें। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत सूक्ष्म बातें हैं भक्ति में, जिसका ध्यान ना देने से हमारे साक्षात्कार में अलग अलग परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं, कोई व्यक्ति परमात्मा के रूप में सोच रहा है तो परमात्मा का अनुभव होगा, ब्रह्म का सोच रहा है तो ब्रह्म अनुभव होगा, और भगवान का अनुभव चाहता है तो भगवान की प्राप्ति होगी। डज इट मेक सेंस? भक्ति शब्द को यहाँ रूढ़ अर्थ में लिया गया है, और ये भगवत विषयक श्रवण कीर्तन को इंगित करती है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझा दूंगा। ब्रह्म उपासकों और परमात्मा उपासकों को भी अपने अपने साध्यों की सिद्धि के लिए भगवत भक्ति करनी ही होती है। समझ में आया? जो ब्रह्म उपासना कर रहा है उसको भी कुछ कुछ भक्ति करनी होती है, जो परमात्मा की उपासना कर रहा है वह भी भक्ति कर रहा है, और जो भगवान का अनुभव करता है उसको साक्षात एक्सक्लूसिव क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, एकांतिक रूप से भगवान की भक्ति का ही आश्रय लेता है, वह किसी और साधन का आश्रय नहीं लेता। शुद्ध भक्ति का मतलब है भक्ति ही उसका साधन है और भक्ति ही उसका साध्य है। ये सब बातें मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, जो लोग श्रवण करते आ रहे हैं उनको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है साधन साध्य? नहीं समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए हम लोग, आप लोग कैसे आए? कार से आए, बस से आए? बस से आए। सीट नंबर क्या था? सीट नंबर याद नहीं है। तो अब आप लोगों ने बस को साधन के लिए उपयोग किया वृंदावन आने के लिए, उसके बाद साधन त्याग देते हैं, सीट नंबर भी याद नहीं रखते। ऐसा मुक्त लोग करते हैं, मतलब जो लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं वो साधन करते हैं, जहां मुक्त हो गए अब वो साधन से कोई मतलब नहीं। लेकिन भक्ति में हम अभी क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा, और जब सिद्ध हो जाएंगे तब क्या करेंगे? हरे कृष्णा। तो भक्ति में साधन और साध्य में अंतर नहीं है, केवल परिपक्वता का अंतर हो जाएगा, स्वाद का अंतर हो जाएगा। ये व्याख्या की गई थी ना पहले? यस। खैर, तो उन लोगों को भी कुछ कुछ भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, इसीलिए जो ब्रह्मवादी हैं, निराकारवादी हैं, वह भी हरे कृष्णा करते हुए देखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा,
लेकिन उनका हरे कृष्णा करने का उद्देश्य यह है कि वह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। देखिए अब क्या बोले, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कितना ग्रहण हो पा रहा है, कुछ बात समझ में आ रही है या कठिनाई हो रही है कुछ समझने में? चलो ऐसे देख रहे मेरी तरफ कि मुझे लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। से महाराज बोलते हैं ना, यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है समझ में, एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो फिर जरूर समझ में आएगा। मुझे तो ये मेरे फिजिक्स के फॉर्मूलों से भी आसान लगता है, पता नहीं आप लोग तो क्यों इतना ऐसे देखते ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे आंखों से लग रहा है कि क्या मैं उर्दू बोल रहा हूँ ना फारसी बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, मैं टीचर हूँ और हमारे स्टूडेंट कालू मालू वाले स्टूडेंट हैं। एक कहानी सुना देता हूँ कालू मालू की। कालू मालू की कहानी सुनी आपने? ये शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी सुनाते थे। कह रहे थे कालू मालू नाम के दो लड़के थे, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते थे, तो उनके टीचर ने ट्यूशन मास्टर लगा दिया। बड़ी अच्छी कहानी लगती मेरे को। तो बहुत प्रयास किया, वो मैथमेटिक्स नहीं सीख पाया, तो सीख नहीं पाए, सीखना चाहते ही नहीं थे। तो एक दिन कालू को पूछा टीचर ने, कालू उस गैया की कितने टांग हैं? तो गिनना चालू किया उसने, एक दो। इतने में मालू चिल्ला दिया, अरे तेरे को मैथ्स पढ़ा रहा है? तो तुरंत वहां से भाग गए। मतलब सीखने का कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे बताइए। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा भाव यहाँ भक्तों का होगा, कालू मालू वाला भाव, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, इस श्लोक में वर्णित ज्ञान और वैराग्य केवल ज्ञानियों और योगियों के लिए ही साधना है। यहां लिखा है ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के वह ब्रह्म और परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। अब बड़ा बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म टीका है। तो क्या है, भक्त को भी ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेना पड़ेगा? देखिएगा बहुत अच्छी तरीका है। एक भक्त के हृदय में ये मतलब ज्ञान और वैराग्य भक्ति के प्रभाव से स्वतः प्रकट हो जाते हैं और ये भक्ति के प्रेमत्व को व्यंजित करता है। व्यंजित मतलब प्रकट करता है, पूरा पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। क्योंकि भक्त को भगवान से प्रेम होता है इसलिए वह भगवान को जानने का प्रयास करता है और भगवान से इतर यानी भगवान से अलग किसी भी वस्तु से उसका वैमुख्य हो जाता है। वैमुख मतलब विमुख, नहीं सुनना मुझे वो सब चीजें। समझ में आया? उदाहरण क्या दिया गया था, जब व्यक्ति खाता है तो एक ही साथ तुष्टि पुष्टि और शुद्ध पाए। तुष्टि होती है, शरीर में बल आता है, पुष्टि होती है और भूख शांत हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे भक्ति बढ़ती है, पर ईशानुभव भगवान का अनुभव प्राप्त होता है और वैराग्य हो जाता है, विरक्ति हो जाती है एक ही समय में। उसको अच्छा नहीं लगता भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ जानना अच्छा नहीं लगता। तो भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य को अलग से अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही जागृत हो जाता है। इस सब की व्याख्या भी बहुत किया गया था, मैं तो समझता हूँ कि कब किया था, पिछले साल किया था कि कुछ दिन पहले किया था ना, यस। इसलिए शुद्ध भक्ति में पृथक रूप से ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास का निषेध किया गया। ध्यान दीजिए, ज्ञान की सफलता के लिए भक्ति आवश्यक है लेकिन भक्ति की आवश्यकता के लिए अलग से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न कर लेती। क्या हम सुने थे, ज्ञान अर्थ था भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के माधुर्य का अनुभव और उस कारण से उसकी मधुरता का अनुभव होने के कारण जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। अरे जब नाम जप करना अच्छा लगता है तो जगत की बातें क्यों अच्छी लगेंगी, जब कथा अच्छी लगेगी तो दुनिया की बातें क्यों अच्छी लगेंगी। समझ में आता है बात? ठीक। और निषेध किया गया है मतलब अगर कोई भक्ति कर रहा है और अलग से ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन कर रहा है तो भक्ति देवी के प्रति अपराध कर रहा है, एज इफ कि भक्ति देवी उसको पूर्णता देने में समर्थ नहीं है। जो शुद्ध भक्त है वह केवल भक्ति का आश्रय लेता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो हवाई जहाज में बैठा है अगर वो सोचे अरे भाई मैं तो स्पीड तेज नहीं हो रही, मैं साइकिल का सहारा लेता हूं, क्या बेवकूफी है कि नहीं? जो व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा हुआ है वो कहे कि हवाई जहाज ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज तेज नहीं चलता है, ऐसा लगता है, जो लोग हवाई जहाज में बैठे हैं वो जानते हैं ऐसा लगता है कि तेज नहीं चल रहा, इससे तो तेज मेरा टेम्पो चलता था, बिल्कुल लगता ही नहीं कि ऐसे आप बैठे हो ना, ऐसे लगता है ना ऐसे हिल रहा है कुछ और आवाज हो रही है और कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। आप भी बैठे हैं हवाई जहाज में, कितने लोग बैठे हैं हवाई जहाज में यहाँ पे? एक
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग बैठे हैं, सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे तो बड़ा बोरिंग लगता है, कुछ हिल ही नहीं रहा ऐसे तो, टेम्पो में थोड़ा आवाज होती गड़गड़ गड़गड़ कुछ लग ही नहीं रहा है, बड़ा बोरिंग लगता है तो। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि वो तेजी से पहुंच नहीं रहा, बड़ी स्पीड से अपने गंतव्य को पहुंच रहा है। तो कोई हवाई जहाज में बैठा हो तो साइकिल के बारे में सोचेगा, साइकिल तो तेज चलती थी, थोड़ा साइकिल का भी सहारा लेना पड़े। उसी प्रकार से वो मूर्ता होगी, तो उसी प्रकार से कोई भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, प्रसाद खा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, उसको ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन लेना बहुत हीन साधन है वो भक्ति के आगे, कोई उसकी आवश्यकता नहीं। हाँ जी, ज्ञान और वैराग्य मतलब ये दगन तुक का घर है, इसे 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 विरक्त हो जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। भक्ति थोड़ा बहुत शुरुआत में हम बोलते जरूर है, लेकिन भगवान का जब आकर्षण होने लगता है, कथा का आकर्षण होने लगेगा, अपने आप ही भक्ति को त्याग देगा। सॉरी गलत बोल गया, ज्ञान और वैराग्य की अपने आप ही जागृत हो जाएगा। भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही जागृत हो जाएगा। उसको अलग से जैसे प्रभुपाद को बोलते हैं, भाई हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, वो चार नियम अपने आप ही पालन करने लगता है, ऐसा नहीं वो रोक रहा है अपने आप को, नहीं उसको ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। मैं आज ही भक्तों को बता रहा था कि जैसे जो लोग भोगी हैं उनको भक्ति की इच्छा ही नहीं होती, नहीं होती ना, कथा में बैठने की इच्छा ही नहीं होती। तो जिन लोगों की कथा में रुचि हो गई उनको जगत की वार्ता, जगत के भोग पसंद ही नहीं आते। क्या है, टेस्टी नहीं है इसमें, लाइक दिस नेचुरल वैराग्य। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती अपने को रोके, मन ही नहीं करता उधर, क्या करना उधर, मेक सेंस? आप लोग घर में देख ही रहे होंगे, जब घर में जाते होंगे तो वो लोग हरी कथा तो नहीं करते हैं, कितना दिक्कत होती है उनसे बात करने में, नहीं? एक भक्त बता रहे थे, वो बहुत अच्छे से जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कभी इधर से फोन आता है तो कहते हैं, अरे रुको रुको एक मिनट ना, मैं आ रहा हूँ जरा, वो दरवाजा खोलता हूँ वहां पे, फिर वो फोन काट देते क्योंकि उनको बात ही नहीं करनी, रुकी रुकी वो कोई आ गया ऐसे करके फोन काट देते। क्या बेवकूफी की बात क्या करेंगे, तो अलग से प्रयास नहीं कर रहे, नाम जप करने से, भक्ति करने से, भागवत पढ़ने से अपने आप ही उधर की बातें करने का मन नहीं करता। इसको प्रमाण दे रहे हैं, तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। इसलिए वह भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य सामान्यतः इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के साधन नहीं है। अथवा अब एक और अर्थ है, ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति कहने के द्वारा यह श्लोक यह इंगित करता है कि भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के तीनों पक्षों की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कहने का अर्थ है, ज्ञान योग का साध्य क्या था, ब्रह्म, और सॉरी और उसके बाद योग का था परमात्मा। तो कह रहे हैं ज्ञान योग से, सॉरी ज्ञान और वैराग्य से युक्त होता है और भक्ति करता ही रहता है तो तीनों अनुभूति प्राप्त हो जाती है। इसको समझना कठिन नहीं है। जो व्यक्ति सूर्यदेव को जान रहा है, उस सूर्य गोले को जानता है कि नहीं, और सूर्य की रोशनी को जानता है कि नहीं, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ साधकों की ऐसी इच्छा होती है कि वे तीनों पक्षों का साक्षात्कार करें, मतलब ब्रह्म का भी करें, परमात्मा भी का भी करें और भगवान का भी करें, तो भक्ति के द्वारा वे तीनों का अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। ये तो कोई कठिन बात नहीं हो रही, समझ में आता होगा। इस प्रकार से ज्ञान और योग के साध्यों की प्राप्ति भी भक्ति के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो भक्ति के बिना कोई साधन काम ही नहीं करता है। इसको ब्रह्मा जी भी आगे दशम स्कंद में कहेंगे, श्रेयम श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। कोई व्यक्ति परम श्रेय की स्थिति, मतलब जैसे हनी बहरी ना, नदी बहरी हो हनी की, शहद की, इस प्रकार से मीठा और ठंडा भक्ति का ये मार्ग है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो, हे विभो, हे भगवान, आपके भक्ति को पद को तो त्याग देता है और क्या करता है, क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धे, और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है, तो क्या करते हैं, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, उनको केवल क्लेश हाथ लगता है, नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम, जिस प्रकार अगर चावल की थोथी भूसी, जिसमें से धान की भूसी जो है उसमें से चावल निकल गया है, अब उसको कूटे तो क्या मिलेगा, अजय से पूछते हैं, इनको फार्मिंग का अनुभव है ना, अगर धान की भूसी को कूटा जाए तो कितना चावल मिलेगा,
कुछ नहीं मिलेगा ना, और क्या होगा, हाथ में केवल फोड़े हो जाएंगे, ये बोल रहे हैं। तो आप समझ गए, ये सब सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। देखिए महाप्रभु की छोटी सी लीला, अद्वैत आचार्य जी जानबूझ करके महाप्रभु को गुस्सा दिलाना चाहते थे ताकि वह उनको पिटाई करें। अच्छा, तो जानबूझ करके मायावाद का प्रचार कर रहे थे कि नहीं, भक्ति तो हीन है और ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अब महाप्रभु को क्रोध आ गया और गए उसकी उनकी कॉलर पकड़ लिए कस के, बोलो कौन श्रेष्ठ है, भक्ति या ज्ञान? तो अद्वैत आचार्य एकदम शांत भाव से कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, इसमें क्या डाउट है। भक्ति दर्पण की तरह है और ज्ञान आंखों की तरह है, दर्पण की क्या आवश्यकता अगर ज्ञान हो। महाप्रभु दे सूतना चालू करे, पिटाई करना चालू करे, और सीता ठकुरानी जो अद्वैताचार्य की पत्नी है, अरे कहते अरे बुढ़ा मर जाएगा, बुढ़ा मर जाएगा। और फिर अद्वैताचार्य जी नाचने लगे, कहले आज आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर महाप्रभु जो है बहुत शर्मिंदा हुए। लेकिन ये सिद्धांत जो बोलते हैं कि भाई ज्ञान श्रेष्ठ है और भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, तो बहुत भगवान गुस्सा होते हैं। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लखनऊ में प्रवचन कर रहा था और मैं भगवद गीता की बात बता रहा था कि चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, तो उसमें ज्ञानी भी है। तो उसी वक्त कोई ज्ञानी आ गया वहां पे, उसी वक्त वहां पे आए, जस्ट वही बात बोल रहा था उसी तक टपक गए वो, और बोले ज्ञान के बाद भी भजन की आवश्यकता है, ऐसे बोले थे। जिसको ज्ञान हो गया वो भी भजन करेगा। हमने कहा देखिए क्या लिखा है गीता में, उदारहा एव सेवते ज्ञानी त्वात्मैव ममतम आस्थितः य सः युक्तात्मा मामेव अनुत्तमं गतिम्। नहीं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तम एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। उन चारों लोगों में आप जानते हो अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो कहते हैं तेषाम, उसमें सबसे प्रिय मुझे ज्ञानी है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, वो एकांतिक रूप से मेरी भक्ति करता, वो समझ गया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिसको वास्तविक ज्ञान है वो भगवान की भक्ति करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा प्रचलन करते हैं कि नहीं, ज्ञान के बाद अब भगवान की कोई जरूरत नहीं है, ये बात है। तो इसलिए समझना चाहिए कि भक्ति ही परम साध्य है और परम साधन भी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान वासुदेव जो परम सत्य को पूर्ण परम सत्य की होना चाहिए, परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। ये बात आप, मैं समझता हूं व्याख्या की आवश्यकता है नहीं, समझ रहे होंगे आप लोग। सूर्यदेव सूर्य का अंश स्वरूप है, सूर्य का गोला, और सूर्य के गोले के अंश स्वरूप है सूर्य की रोशनी। ठीक, अगर किसी को ये बोरिंग लग रहा हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को एड्रेस करेंगे। कहोगे सब क्या ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा क्या, कौन सुने सब बातें, कोई लीला क्यों नहीं सुना रहे। महाराज ऐसे जोक मारते हैं, अरे चार दिन हो गए कथा को, रुक्मिणी जी की शादी नहीं हुई अब तक। तो इस प्रकार का नहीं है, यहाँ पे लिखा है गंभीर जिज्ञासु व्यक्ति। भागवत बहुत गंभीर शास्त्र है, इसको पढ़ना चाहिए उसी तरह से एक एक पॉइंट को। तो समझ में आ रहा है, तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, परमात्मा के रूप में भगवान केवल उपदृष्टा अनुमंता के रूप में है, वह लीला प्रस्तुत नहीं करते, अपने दिव्य ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं करते, और भगवान की तरह भक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। तो आप जानते ही हो, कर्मी भौतिकतावादी होते हैं। किसी व्यक्ति को कर्मी की डेफिनेशन ना पता हो तो बताऊं, किसको पता है ये बता दीजिए। अच्छा, कर्मी की बताइए डेफिनेशन क्या है। कर्मी कौन होता है? जो कोई कर्म करे वो कर्मी, जो भौतिक भोगों में फंसे हुए हैं वही कर्मी है। हाँ, जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं उन्हें कर्मी कहा जाता है। ठीक है, गाली नहीं है लेकिन ये एक डेफिनेशन है। ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं किंतु शेष तीन आध्यात्मवादी होते हैं। शेष तीन अर्थात ज्ञानी, योगी और भक्त। भक्त प्रथम श्रेणी के आध्यात्मवादी होते हैं। खुश हो जाना चाहिए, आप लोग कौन हो, ज्ञानी हो, योगी हो कि भक्त हो,
इसमें भी कोई उत्तर नहीं, भक्त है ये भी, सभी में चुप रहना है, गुस्सा जाता है मैं तो, इतना नहीं पता है कि ज्ञानी है कि योगी है कि भक्त है, भक्त है, खुश हो जाओ, वी आर डिवोटीज, यस, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया, यानी परमात्मवादी। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र हो गया, ब्रह्मवादी। जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग सन्निहित रहते हैं। भगवद गीता में कहां कहा गया है ये बात, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझको तत्व में जान सकता है, जैसा मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं, और जब जान लेता है तो उसके बाद भगवान के धाम में चला जाता है, कोई डाउट नहीं। अन्य शास्त्रों में कहां बताया ज्ञान वैराग्य, याद नहीं आ रहा। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। क्या श्लोक है ये, अभी हमने पढ़ा था, नहीं इसी का पढ़ा था, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति में नियोजित रहता है, प्रयोजित होता है, उसके हृदय में बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही उदित हो जाते हैं। इस श्लोक की व्याख्या की गई थी, यस। क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है, आप लोग कुछ समझ में आ रहा है ये बात, क्योंकि ज्ञान कहां तक लेके जाएगा, कौन सी अनुभूति तक लेके जाएगा ज्ञान, सत्य नहीं माता जी, सत्य तीनों है, ब्रह्म की अनुभूति, गुड। और योग कहां तक लेके जाएगा, परमात्मा की। और भगवान का भक्ति कहां तक लेके जाएगी, बहुत इजी है ना, तो क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति पूर्ण नहीं है, उससे अधिक परमात्मा की और सर्वश्रेष्ठ भगवान की, इसलिए ये साधन भी, क्योंकि वहीं तक लेके जाएंगे, इसलिए ये साधन भी अपूर्ण है, ठीक है ना। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। देखिए, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और भगवान की महिमा सुनते हैं, तब भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप होता है। अगर कोई व्यक्ति श्रवण नहीं करता है तो उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे पेट्रोल खत्म हो गया हो गाड़ी में, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है लेकिन पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेगा। ये जो श्रद्धा है भगवान में कि भगवान है, आप महसूस करते होंगे जब भी हम भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है कि हाँ भगवान है कि नहीं, भगवान से तो नहीं मिले अभी। लेकिन जब हम नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो क्या रहता है, नहीं है, होंगे नहीं होंगे पता नहीं। और इसी कारण से व्यक्ति छोड़ता है। फिर याद रखिएगा, जैसे कार होती है ना, कार का पेट्रोल कम होने लगता है तो आदमी सोचता है ना कहाँ कहाँ भैया भरने वाले कहाँ है। और ऐसा तो नहीं कि पान वाला डीजल दे देगा, पान वाला डीजल नहीं भर सकता ना, भरेगा एक प्रमाणिक पेट्रोल पंप ही ना। उसी प्रकार से भक्तों के संग में आकर जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तभी हमारा पेट्रोल भरा रहता है, डीजल भरा रहता है, तुम्हारी गाड़ी आगे भगती है। जैसे आप एक बार हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा, क्या हुआ, क्या हो गया, कुछ लगा आपको, कुछ हुआ। और शास्त्र क्या कह रहा है, एक ही नाम से जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप एक नाम उच्चारण से नष्ट होते। तो बताइए 28,000 बार अगर आप नाम करेंगे तो कितनी भक्ति में प्रगति होगी। मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं, मैं इंडोनेशिया जा रहा था और स्वाभाविक सी बात है हवाई जहाज में आदमी व्यग्र बोर हो जाता है, क्या है बैठे हुए और लगता है ऐसा ही कि कुछ हो नहीं रहा है चल ही नहीं रही है ऐसा लग रहा है। अब उन्होंने इस पर डिस्प्ले किया स्क्रीन के ऊपर, आप कुछ 1800 किलोमीटर दूर हैं अपने गंतव्य से और आप 625 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं।
अब मेरे अनुभव क्या है, चल ही नहीं रहा है। और शास्त्र क्या बोल रहा है जो सामने दिख रहा है, गुरु जो प्रमाणिक भेज रहे, 625 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तुम आगे बढ़ रहे हो, अनुभव क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरी व्यग्रता को शांत हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई, चलो भले लग रहा है कि कोई हवा जहाज कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन हम एक्चुअली प्रमाण ये है कि बहुत तेजी से जा रहा है। प्रमाण क्या है, वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। डज इट मेक सेंस? एग्जांपल से बता रहा हूं। अब आप यहां पे वृंदावन में हो, एक बार हरे कृष्ण का लाभ कितना अधिक मिलता है, 1000 गुना। दिख रहा है कुछ आपको? मान लीजिए यहाँ हरे कृष्ण बोला और आपने दिल्ली में हरे कृष्ण बोला, कोई अंतर लग रहा है आपको? ऐसे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन शास्त्र वचन पे स्वीकार करना होगा। तो शास्त्र नहीं सुनेंगे तो शास्त्रीय श्रद्धा गायब हो जाएगी और हरे कृष्ण भी गायब हो जाएगा और हम भी गायब हो जाएंगे उसी के साथ। और आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग गायब होते हुए, या भक्ति में रहेंगे, माला लेंगे, लेकिन माला किस लिए लेंगे, ठंड है ना, हाथ गर्म करने के लिए चाहिए। कभी कभी भक्त लोग माला भी नहीं रखते हैं, केवल झोल लेके घूमते हैं, ऐसे भी लोग हैं। समझ सोचे कि नहीं होते। कोई तो मुझे भक्त बता रहे थे कि कहीं गए वो, उसमें एक व्यक्ति सुबह से शाम तक उन्हें घुमाता रहा और भक्त सोच रहती है इसने जब कब किया, सुबह से शाम हो गई उनके साथ में ही है, तो जब कब किया उसने, मतलब नहीं किया दीक्षा के बाद भी। तो ये हम जब श्रुति को सुनेंगे तो जिज्ञासु बहुत अच्छे प्रकार से होंगे और तब अपने जीवन में भक्ति को महत्व देंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बुद्धू लोग इस प्रकार सोचते हैं, हम सब सीख गए, हमें कुछ सुनने की जरूरत नहीं, भागवत भाग सीखने की जरूरत नहीं, अब तुम सब सीख गए, समझ में आ गया मेरे को, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो ये हम इस बात पर बहुत फोकस करेंगे, इसलिए मैं बात को बोल रहा हूं। सुनेंगे नहीं तो सुनने के लिए भी नहीं रहेंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यस। और बहुत से लोग हम देख रहे हैं सुनने के लिए भी नहीं रहते हो। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के निमित्त होती है, मतलब भावुकता में भजन नहीं कर रहे हैं, सिद्धांत को सुनकर कृष्ण क्या है, कृष्ण की शक्तियों को ठीक से समझकर फिर भजन कर रहे हैं। मूर्ख नहीं है हम लोग। महाराज बोल रहे थे कि एक बार कहीं बुलाया गया तो महाराज प्रवचन किए, लोग बड़ा इंप्रेस हुए, कहते हैं अच्छा आप हरे कृष्ण वाले प्रवचन भी करते हो। उनको लगा खाली मृदंग पीट के चले जाते हैं घर के कीर्तन करके, कहते हैं बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, प्रवचन भी करते हैं ऐसे। ऐसे मुझे भी याद है, पार्थ प्रभु मेरे साथ में थे कहां हिसार में, तो ये तो बड़ा अच्छी घटना हुई। हम लोग बोले कि भाई सत्संग होगा 6:30 से 8:30, हम लोग टाइम से शुरू करते हैं, तो लोग 8 बजे आना शुरू किए। और जब मैं कुछ प्रवचन तब चल रहा था, थोड़ा सा अंत का 5-10 मिनट बाकी थे, करे अरे यहाँ प्रवचन भी हो रहा, हम तो सोच रहे थे चिमटे बजाने वाले ही आएंगे, कुछ चिमटे बजाते ना, चिमटा बजा कर चले गए। लोगों को अनुभव ही नहीं कि कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। यही धारणा होगी सत्संग मतलब कुछ चिमटा बजेगा उसका, कुछ 10-20 रुपए जमा कर दो चले जाएंगे। ये प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे। यस। अब इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभुपाद जी भक्तों के बारे में बता रहे हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, और अपना एनालिसिस कर लेना चाहिए कि मैं कहां पे हूं। तृतीय श्रेणी के भक्त या नव दीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, भगवान का ज्ञान कुछ पता नहीं है, वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते, भौतिक आसक्ति रहती है, भौतिक भोग भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं, दोनों चीजें अच्छी लगती है, माया भी अच्छी और कृष्ण भी अच्छे। वे तो मंदिर में अर्चक वगैरह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं, वास्तविक भक्त नहीं, प्राकृत भक्त। और ऐसे भक्त नाम अपराध ही करते हैं। थोड़ी कठोर बातें आ जा रही हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन कुछ भोग चाहिए। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है, इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रभुपाद जी बोले जब तक मध्यम अधिकार पे नहीं आएंगे भगवान के धाम नहीं जा सकते। इसी जगत में कुछ महान बनते रहेंगे। कठोर लग रहे होंगे मेरे वचन, लेकिन ये मेरे वचन नहीं, प्रभुपाद जी के वचन। वन मस्ट लर्न व्हाट इज अ रियल डिवोटी, कैसे सच्चा भक्त बनना है व्यक्ति को सीखना चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को मध्यम अधिकार में भक्ति की दिशा में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं। कौन से 4 तत्व हैं?
परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो उसको पहले भी दिखते थे, समझ में आया, शुरुआत की अवस्था में उसे भगवान दिख रहे हैं लेकिन भक्त नहीं दिख रहे, भक्तों से खराब बर्ताव भी हो जाता है, झगड़ा भी कर लेते हैं। अब क्या हुआ, भगवान दिख रहे हैं लेकिन और क्या दिख रहा है, उनके भक्त, भक्त भी दिख रहे हैं, अज्ञानी लोग भी दिख रहे हैं और ईर्ष्यालु भी दिख रहे हैं। इसको मैं थोड़ी व्याख्या करना चाहता हूं। ईश्वर तद अधीनेशु बालिशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमा। ईश्वर भगवान कृष्ण से प्रेम, भक्तों से मैत्री, जो लोग अज्ञानी हैं लेकिन भक्ति में आना चाहते हैं उनके प्रति दया, और जो लोग द्वेषी हैं उनके प्रति उपेक्षा, ये मध्यम अधिकार है। यहां से सच्ची भक्ति शुरू होती है, समझ में आ रहा है। अब हर व्यक्ति को अपना अंदाज लगा लेना चाहिए, क्या मुझे समझ में आता है कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, कौन द्वेषी है कौन नहीं है, भगवान कौन है नहीं है। तो अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो मुझे सोचना चाहिए कि हाँ मैं अभी प्रथम स्तर पे हूं, क्या मैं भक्तों से झगड़ा करता हूँ, क्या भक्तों से खराब बर्ताव करता हूँ। तो ये मालूम कैसे चलेगा, जब श्रवण करेंगे, और अगर श्रवण नहीं करेंगे तो मालूम नहीं चलेगा, और मालूम नहीं चलेगा तो हम कौन से लेवल पे रहेंगे, प्रथम लेवल पे, और प्रथम लेवल पे रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, मालूम नहीं चलेगा, और मालूम नहीं चलेगा तो किस लेवल पे रहेंगे, प्रथम लेवल पे, फिर क्या होगा, नहीं सुनेंगे। समझ में आया, जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे प्रगति नहीं होगी। डज इट मेक सेंस, ऐसे बातें प्रपद एड्रेस करेंगे। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है। द्वितीय श्रेणी के बारे में क्या सुना आपने, किसको, किन चार चीजों को देख पाता है वो, भगवान को, भक्त को, अज्ञानी को, ईर्ष्यालु को। भगवान के प्रति क्या बर्ताव होता है, उसका प्रेम करता है, और भक्तों से झगड़ा करता है, झगड़ा नहीं करता है, प्रेम करता है, मैत्री करता है, अज्ञानियों के प्रति दया करता है, भक्ति देने का प्रयास करता है, और ईर्ष्यालुओं से उपेक्षा करता है, द्वेष नहीं करता उनसे, उपेक्षा करता, उनको प्रचिंग नहीं करता। डज इट मेक सेंस, यस। तो कम, क्या ये करना बहुत मुश्किल है, भक्तों से झगड़ा ना करना, क्या बहुत मुश्किल है ये, ज्यादा मुश्किल तो नहीं ना थ्योरी में, ठीक है। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके, तब वो समझ पाएगा भगवान को। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश, उपदेश भागवत के प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि मध्यम अधिकार क्या है, तो मन में क्या आ रहा है, अरे मैं मध्यम अधिकारी बनूं तो अच्छा रहेगा। मध्यम अधिकार व्यक्ति शुद्ध नाम लेने का अधिकारी होता है, ही नोज, वो समझता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है। भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता, पता नहीं मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत ईजी चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है, और दूसरा है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अब हम जैसे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हम सीधे प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं कि नहीं, परम भागवत हैं, तो उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में ट्रांसफर होती है, हमें समझ में आता है कि प्रभुपाद जी हमें, हमसे क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए कहते थे कि मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं मेरे शिष्य या उनके शिष्यों के शिष्य, यही मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन है। और ये आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन लोगों को स्वाभाविक रूप से रुचि होती है शास्त्र ये सब चर्चा करने में, गीता भागवत में, उनके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है। और कुछ लोग खाली मनोकल्पना करते हैं ना, भक्ति ये है, भक्ति वो है, आज मेरे सपने में कृष्ण आए और दही पी गए और जो भी इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, अगर हमारे कृष्ण हमारे सपने में आए थे तो क्या होगा, ऐसे भक्त मुझे बोल रहे थे, और वो भक्तों से दूर हो गए, कहते अब मेरे गुरु केवल कृष्ण है। हमने कहा वाह धन्य हो, ये दिखाता है, ये है प्रथम सॉरी तृतीय श्रेणी का भक्त, कुछ सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जहां हमारी गलती होगी वहां शास्त्र बोलेगा ये गलत है, तो हम सुनना नहीं चाहते हो। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत का व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। स्पष्ट समझ में आ रहा है, ये एकदम हमने आंखों से देखा है, कैसे लोगों की बिल्कुल रुचि नहीं होती तत्व को समझने में, भागवत को समझने में, पर थोड़ा थोड़ा कहानी किसे सुन लिए, हाँ हम हो सुन लिए, भागवत सुन लिए,
जो वस्तु विधान सूत्र के ऊपर टीका है वो कितना गंभीर शास्त्र होगा, विचार कीजिए आप, कल्पना कर सकते हैं कितना गंभीर होगा। केवल कहानी किसे सुनकर कैसे व्यक्ति प्रगति कर लेगा बताइए। तो यही प्रपात कह रहे हैं, ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए जो व्यक्ति बोल रहा है और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। दो बात, एक तो वह परंपरा में होना चाहिए और दूसरा चीज वह लोगों के कल्याण के लिए प्रचार करे, अपने जेब के कल्याण के लिए नहीं। देखिए ये बहुत अंतर पड़ जाता है, अगर कीर्तन कर रहे हैं सोचे हमें डोनेशन कितना मिलेगा, एकदम चेतना घूम जाती है। मेरा अनुभव है, मैं कभी ऐसा नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति ने बोला था, मेरे संग और भक्त भी गए थे, हम किसी घर में कीर्तन करने जाते हैं केवल भगवान की कीर्ति करने के लिए, और ने खाली बस ऐसे बोल दिया कि वो बहुत डोनेशन देगा। मेरा पूरा टाइम कीर्तन मेरा मन बोलता रहा कितना डोनेशन देगा, कितना देगा। मेरे को इतना गुस्सा आया, हमने कहा ऐसा तो मैं कभी कीर्तन में नहीं करता इसके लिए पैसे के लिए, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा उस व्यक्ति ने मुझे बोला ही क्यों कि डोनेशन देगा ये, कभी मेरी जिंदगी में पहला और आखिरी था। मैंने कहा आगे से कभी उसकी बारे बात किसी के जाता हूं प्रेम से, उस भक्त से प्रेम है, जाते हैं कीर्तन करते कथा करके वापस आ जाते हैं। अगर वो अपने इच्छा से कुछ डोनेशन देना चाहे अलग बात है, डोनेशन के लिए थोड़ा जाते हैं, कभी जाते हैं। तब मैंने सोचा कि जो लोग नितांत केवल इसी चीज के लिए करते होंगे तो करते क्या होंगे वो, हाँ पहले फिक्स कर लेते हैं इतना तो डोनेशन देना पड़ेगा, डोनेशन नहीं क्या चार्जेस, वी हैव फिक्स्ड रेट, नो कंसेशन है कि नहीं, और वो सत्य नहीं बताएंगे। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं होती, क्योंकि वह कृष्ण को संतुष्ट नहीं करना चाहता, वह तो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, रुक्मणी जी की शादी करवाना चाहता है, लाला का जन्मदिन बताना है, उसको यह मतलब नहीं है कि ब्रह्म क्या, परमात्मा क्या, भगवान क्या, सब कुछ भी नहीं। ये स्थिति है, ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। आज ही महाराज से सुन रहा था कि कहीं यज्ञ हो रहा है तो केवल यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए वक्ता को बुलाया जाता है। हाँ बुला लो वृंदावन से किसी वक्ता को बुला लो, ये नहीं सोच रहे हैं कि वो वक्ता बोलेगा क्या, वो वक्ता है कि बक्ता है कुछ पता नहीं, कुछ भी बक के चला जाए कि भगवान निराकार है, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, लेकिन कुछ भी बोल के चला जाए कि भगवान निराकार है, तुम ही भगवान हो, हाँ 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 साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, ये स्थिति है। ये होता है सुनने का दिखावा करना, समझते हैं सुनने का दिखावा करना। प्रभुपाद जी और कठोर शब्द यूज करते हैं गीता में, सुअर और कुत्ते की तरह नहीं सुनना चाहिए, मेरे शब्द नहीं है क्षमा कीजिएगा, गीता में है, पढ़े होंगे आप लोग, याद है ना प्रभुपाद से बोलते हैं, मतलब सुनने में कोई रुचि नहीं है। आप देखेंगे पता नहीं आप लोग का अनुभव, किसी को प्रीचिंग करिए और इंटरेस्टेड नहीं होता, वो क्या बोलता है खाली शिष्टाचार के लिए, हाँ हाँ साधु जी, हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, जगत दुख का घर, हाँ हाँ हाँ, यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड बाय हाँ हाँ ओनली, उसकी हाँ हाँ से समझ में आ जाता है कि वो खाली फॉर्मेलिटी कर रहा है। हाँ हाँ, जैसे हम लोग को बोलता है शादी में आइए, हम लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक, हाँ 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 करके बस, अरे शादी हो गई, अच्छा भूल गया मैं, ठीक है। ये रहता है जिज्ञासु नहीं आग्रह नहीं, और आप कभी देखिएगा प्रवचन करते समय अगर भक्तों की जिज्ञासा, भक्तों नहीं मतलब श्रोता की जिज्ञासा नहीं है, बोलने का ही मन नहीं करता। मैं सुबह भी और शाम को भी मैं देखता हूं भक्तों का आग्रह होता है तो मेरा बोलने का इच्छा होती है, और कहीं ऐसे चले जाए ना बुद्धू से लोग, बिल्कुल बुद्धू नहीं मतलब जिसका सुनने का आग्रह नहीं है तो मन नहीं करता। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज यहाँ बता रहे थे, जब भी मैं बोलता हूँ आने के लिए कहते हैं हाँ वहां तो अनमनस्क नहीं रहते भक्त, मतलब भक्तों की सुनने की इच्छा है। तो महाराज देखिए कितने उत्साह से महाराज प्रवचन करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। कृष्ण कथा ऐसे नहीं होती बस आंखें बंद करके ध्यान कर, आंखें बंद करके भगवान पे कितने नोट आएंगे उसको ध्यान करते हुए और बस कथा कर दी ऐसे करके, नहीं होता ऐसा। जैसे प्रद्युम्न मिश्र का अत्यंत आग्रह था, पूरे सुबह से शाम हो जाती है और रामानंद राय जी कथा करते रहते हैं भूल जाते खाने का समय भी कब हुआ। इस प्रकार से आग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है, मतलब ये औपचारिक श्रवण कीर्तन। अतः इस दोषपूर्ण विधि की प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवद गीता या श्रीमद भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यवसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब तो मैं समझता हूं इसमें कुछ समझाना नहीं है, स्पष्ट है।
क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपने जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। और अच्छी बात यह है, अगर विचार करें, क्या दूध जिसमें जहर मिला हो वो दिखाई पड़ता है किसमें जहर मिला है? और जहर क्या है समझ लेना चाहिए, दो प्रकार के जहर। एक व्यक्ति जो भोग प्राप्ति के लिए भागवत की प्रवचन कर रहा है उसके हृदय में कौन सा जहर है? भोगने का, जगत को भोगने का। और एक व्यक्ति जो सोच रहा है कि भागवत पढ़ करके बोल करके मैं भगवान बन जाऊंगा, तो उसमें कौन सा जहर हो गया? मायावाद का जहर। तो वो दोनों ही चेतना हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाएंगे। ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। अतएव निष्ठावान व्यक्ति को, भक्त को श्रद्धा थाना कि वे अपनी उन्नति के लिए, फॉर्मैलिटी के लिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने, मेरा कल्याण होगा इससे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। अब जान रहे मैं क्यों अलग तरह से बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल देते, श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो श्री विग्रह तुम्हारे गल गृह बन जाएंगे, गले में लटका हुआ कोई फांस, अरे मैं कहां फंस गया। प्रभुपाद जी बोले कि मेरे गुरु महाराज ने कहां ये विग्रह दे दिए मुझे सेवा करने के लिए। श्रवण नहीं करेंगे तो ये होगा ही। समझ रहे हैं इस बात को, कहां फंस गया, मुझे 16 माला रोज करनी पड़ेगी। जहां आप भागवत सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको उत्साह मिलेगा, अरे मुझे जब करना चाहिए, मुझे भगवान को देखना चाहिए। जैसे मंगल आरती जाने में कुछ कुछ लोगों को आलस आ सकता है, लेकिन अगर आप यह सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी की उक्ति की एक बार भी जो जीवन में जबरदस्ती फोर्सफुली अपने मन में भगवान के स्वरूप को लेके आ जाता है, तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। अब मंगल आरती जाने की इच्छा नहीं होगी आपकी? कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा भाई हमारी इच्छा नहीं है। एक बार जब लेके आए अपने मन में तो भगवान अपना धाम देते हैं। तो अगर आप रोज भगवान के रूप को देखेंगे तो, और कितनी बार हम देखते हैं कि भक्त लोग दुर्भाग्यवश पीछे से आते हैं और पीछे निकल जाते हैं, भगवान को देखते ही नहीं देखते ना, कितना दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? श्रवण की कमी। जब कर रहे हैं सो रहे हैं, जब कर रहे हैं बातें कर रहे हैं, क्या कारण है? श्रवण की कमी। श्रवण ही सारी भक्तियों का आधार है। प्रभुपाद इसीलिए बोल रहे हैं, ज्ञान, ये जो भक्ति का ज्ञान है उसका आधार है, बाकी उसकी नींव है। और वो नींव ही गायब कर देंगे तो क्या है, बिल्डिंग गायब, जरा सा हवा आई बस उड़ जाते। अब पता नहीं कितना, मेरे को तो एक एक बात जो मैं श्रवण किया हूं मुझे कितना मदद करती है मेरी नित्य की भक्ति में, मैं आपको बता नहीं सकता। एवरी डे एवरी मोमेंट इट हेल्प्स सो मच। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है, और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। सुन ही नहीं रहे कि भजन कैसे करना है, और सुनने के बाद अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो कैसे प्राप्त होगा? आपने सुना ना, भक्तिया श्रुत ग्रहीतया, सुना कैसे जब करना है, सुना कैसे पढ़ना है, भक्ति करनी है, और फिर उसको अभ्यास में लेके आए, तब व्यक्ति को साक्षात्कार प्राप्त होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन। जब हम अपनी साधना सेवा संग इत्यादि की दायित्व लेते हैं तो भगवान की कृपा से हमको साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्रपद करें अपनी उन्नति के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए श्रवण करना चाहिए। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित ना हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। कोई व्यक्ति बोल रहा था कि वैष्णव आए, वो चाय पीते थे, चाय पीते थे, और फिर वो व्यक्ति कहते हैं एक वैष्णव को खिलाने से 10,000 ब्राह्मणों को खिलाने का मौका मिलता है, और कुछ कुछ चाय पी रहे हैं। नो कमेंट्स। किसी अनाधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। कोई बोल रहा है कि तुम ही भगवान बन सकते हो, तो क्या वो पक्का भक्त है, क्या वो सच्चा भक्त है? क्या हाँ हाँ सरकार सही बोल रहे हो, हाँ 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 सर, ऐसा कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है, यह समाधि कहलाती है। कब दिखाई पड़ेंगे? जब भक्ति प्रॉपर तरीके से करेंगे और भक्ति खूब बढ़ेगी, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, तब भगवान का दर्शन कर पाएंगे। कोई प्रश्न है यहां तक किसी भक्त का? देख लेता हूं। भक्ति
श्लोक भेजा है। ईर्ष्यालु व्यक्तियों से कैसे डील करना चाहिए, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हाँ, अगर वह ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे आपको या अन्य भक्तों को हानि पहुंचे तो यथासंभव करना चाहिए, लेकिन अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए निंदा कर रहा है, और हर व्यक्ति तो निंदा करेगा ही, कुछ ना कुछ व्यक्ति निंदा करेगा, सबसे झगड़ा करने बैठेंगे तो कैसे चलेगा। मान लीजिए कुछ लोग मेरी निंदा करते हैं कि मैं टीका क्यों पढ़ता हूँ आचार्यों की, अब मैं उनको दिखाऊं कि भाई प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले ही परपर में बोलते हैं जो गंभीर छात्र है उसे पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका पढ़नी चाहिए ताकि वो भागवत का आस्वादन कर सके। तो अब मैं बताइए कैसे समझाऊं उसको, अब वो अगर नहीं समझेगा तो मैं क्या कमेंट्री पढ़ना बंद कर दूं? तो कहां तक सबका मुंह बंद करेंगे? कुछ करेंगे तो दिक्कत, कुछ नहीं करेंगे तो दिक्कत। प्रभुपाद जी एकदम बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि जो गंभीर छात्र है, जो गंभीर छात्र नहीं जो चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन जो गंभीर छात्र है पढ़ता है, और आप देख रहे हैं मैं बहुत कुछ समझ में आता है भागवत के बारे में। तो अब अगर कोई इसी की निंदा कर रहा है तो करते रहो निंदा, कौन हमारे को, मेरा वजन कम हो रहा है उससे, करते रहो। हमारे करना में प्रभु प्रसाद दे ही रहे, चाहे कमेंट्री से बोलूं या ना बोलूं, है कि नहीं क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए इतना ध्यान, इतना नहीं ध्यान देना चाहिए। जिंदगी में यही सोचते रहेंगे ना ये क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और क्या है, भागवतम में टी ब्रेक, ओ मजाक कर रहे हैं वक्त तो ठीक है। भरतपुर वालों को जहां बस खड़ी वहां भेज दीजिए। ये क्या प्रश्न है, ये प्रश्न करने का बात है? अरे ये कोई प्रश्न है, कमेंट्स अनाउंसमेंट्स भागवत के क्लास में। व्हाट इज टुमारो प्रोग्राम ऑफ 18 आवर्स? यस हाँ ये बताना भूल गया, कल सुबह हम स्पेशल सेशन कर रहे हैं। कल कौन सा दिन है? एकादशी, हरि बोल। जहां हम लोग 18 बार खाएंगे नहीं, कल सुबह 3 बजे से हमारी जपा मीटिंग शुरू होगी। बकायदा हमारे इंटरनेट चलता रहा तो, और रात में कल रात में 9 बजे बंद होगी। तो आप लोग सब लोग आमंत्रित हैं, खाइए पीजिए सोइए फिर जब करने आ जाइए, फिर खाइए पीजिए सोइए फिर जब करने आ जाइए, कोई नो होल्ड्स बार्ड। कल कोई क्लास नहीं होगी शाम को 6:30 बजे तक, सुबह भी कोई क्लास नहीं होगी, केवल जप होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग 18 घंटे करना होगा, नहीं शिफ्ट ले सकते हो, है ना, 2 घंटे जप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है कि नहीं? तो सारे नौकरी का छुट्टी ले लो, जप करना जितना हो सके। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है, समझ में आ गया होगा? हाँ प्रभु, इसमें जो प्रथम श्रेणी के भक्त के बारे में बताया गया वो कनिष्ठ अधिकारी के बारे में है क्या? नहीं, प्रथम श्रेणी का भक्त जो है वह है उत्तम कोटि का भक्त हुआ, तृतीय श्रेणी का भक्त हुआ कनिष्ठ भक्त, भौतिक भक्त का बात किया गया इसमें। वो है तृतीय श्रेणी थर्ड क्लास डिवोटी, तो वो कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी कहलाएगा। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न है? कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है? नहीं, हरे कृष्ण। आज भी एकादशी कर लिया, आपकी इच्छा आज एकादशी नहीं? देखिए एकादशी विद्ध द्वादशी जो होती है उसमें द्वादशी का हम लोग व्रत करते हैं वैष्णव लोग, तो इसलिए करेंगे कल उसको। ओके, क्या आप लोग भक्ति वृक्ष करने के लिए तैयार हैं? यस, सो लेट अस स्टार्ट दैट। पारायण तो नहीं हो पाएगा कि 8 बज गया है और उसके बाद हमको शुरू करना होता है वो भक्ति वृक्ष, तो हम पारायण